मेरी सैलरी आनी है 5 तारीख को। अच्छा। तो 5 तारीख से पहले मेरे पास पैसे नहीं है। अब मेरा बिल भी आ गया, मैं अब क्या करूं, मुझे बताएं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि मेरे पास अभी ना पैसे हैं ना मैं आपको दे सकता हूं। मुझे ना जरूरत है आपकी दोस्ती की इस तरह से। अच्छा। अगर आप मेरी हेल्प कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ही मैं आपसे मिलने आऊंगी। असी वेले लोग वेले। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। तो ये आज रोड पे मैंने फोन किया था ना लिबर्टी आप आ जाएं, तो मैं काफी देर से यहाँ घूम रहा हूँ। oh, no. अच्छा, तो लिबर्टी आपने बुलाया है, दैट्स मीन कि आज की शॉपिंग होने वाली है। ये शॉपिंग भी हो जाएगी? ये क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं, शॉपिंग भी कर लेंगे। और सुनाएं आप, ठीक ठाक हैं? तो मैंने कहा मौसम भी अच्छा है तो इसलिए मैंने आपको लिबर्टी बुला लिया। मैंने कहा आप लिबर्टी आ जाएं। तो आजकल आप पार्क भी नहीं आ रही। हाँ, बस पहले तो वो मसला था ना उसका, रेंट का थोड़ी परेशानी ज़्यादा होती जा रही है, आपको पता है हालात भी ऐसे ही हैं। अब बिल आ गया है 16,000 का, मेरा बिल आ गया है 16,000 का। तो एक अभी खर्चा ख़त्म नहीं होता, दूसरा खर्चा नया खर्चा आ जाता है, परेशानी थी बहुत ज़्यादा। और आप सुनाए, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मसला तो नहीं, यहाँ पे खड़े हैं? ठीक है, इधर ही बैठ जाते हैं जरा। बात ही करनी है, कहीं भी बैठ के बात करें, चाहे रोड पे कर लें चाहे पार्क में कर लें। मैं रोड पे बात नहीं करता, बात ये कि मैं रोड पे बात करता नहीं हूं ना। इसलिए मैंने आपको सुबह कहा था कि बल्कि आप आ जाइए, प्लान जो आप कहें प्लान ही प्लान। आपने शॉपिंग करनी है? हाँ, नहीं मैं वो आपसे रिक्वेस्ट करने लगी थी कि आपने मुझे कहा था कि पिछली दफ़ा आपने मुझे 12,000 दिया था, एक रेंट दिया था, तो दूसरा आपने कहा था जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो तब मैं तुम्हें दे दूँगा। और अब दूसरा प्रॉब्लम यह है कि बिल भी आ गया 16,000 का बिल आ गया। सिक्सटी थाउजेंड कितने होते हैं? 16,000। सही है, 16,000 रुपये आपका बिल है। बड़ा बिल है। दोनों एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि पे करने करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ ये माशाल्लाह आपके पास इतने ब्रांड वाले कपड़े, आप इतने ब्रांड वाले पहनती हैं। मैं उस दिन भी बात की थी ये, तो वही बात कर रहे हैं, ब्रांड 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 ब्रांड। नो 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 नो, आपको क्या टैग नजर आ रहे हैं कहीं पे के ब्रांड लगे हुए हैं? नहीं, टैग नहीं नजर आ रहे। मैं वो सोचता हूँ कि एक वो मैंने आपको पिछली दफ़ा भी एक्सप्लेन किया था कि कपड़े अच्छे पहन लेने से या अच्छे तैयार होने से इसका मतलब है कि चेहरे के ऊपर चेहरा गंदा सा बनाए और कपड़े गंदे पहने तभी मजबूरी जाहिर होती है। और बाहर आए हैं लिबर्टी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, तो क्या मतलब है आपका, फिर मैं क्या पहन के आऊँ यहाँ पर? सफाई मैं ना मेरी एक बात सुने, मैं एक चीज़ ये चीज़ देखता हूँ कि आप एक इंसान मजबूर होता है ना, मजबूर होता है, परेशान होता है, वो मुझे नज़र नहीं आती आपके चेहरे पे। पहले दिन नज़र आ रही थी? Oh, no. पहले दिन तो मैं लग रहा था मुझे कि आप परेशान हैं। तो अब आप मेरी हेल्प कर रहे हैं ना? जी। तो परेशानी थोड़ी रिलीफ भी हो रही है, टेंशन ख़त्म भी हो रही है, तो मुझे इस चीज़ की खुशी भी है। तो शायद आपको नहीं नज़र आ रही, लेकिन कपड़ों का क्या ताल्लुक है मुझे आप ये बता। मैंने ना मेरी बात सुनी, मैं इसलिए आज जो है ना एक साइड पे आया हूँ कि मैंने कहा चलो मैं जो है ना ये आप पार्क में मिलती हैं, शायद आसपास कहीं रहती होंगी, इसलिए मैंने थोड़ा दूर बुलाया आपको।
घर से दूर बुलाया कि आप आती हैं कि नहीं आती। ठीक है, और मुझे सच्ची मैं बात बताऊँ, मुझे 3 से 3.5 घंटे हो गए हैं यहाँ घूमते हुए, बस आप यही कह रही थी आ रही हूँ आ रही हूँ। जी जी, नहीं, 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 आपने जो लोकेशन थी ना वो मुझे ठीक नहीं भेजी थी, जैसे मुझे लेट हो तो मैंने डायरेक्ट इधर ही आना था। अच्छा, अच्छी बात है। आपकी कंप्लेंट्स ज़्यादा नहीं बढ़ती जा रही हैं, आपको कभी लगता है कि मैं परेशान नहीं हूँ? तो मैंने तो आपको पहले बोला था कि मैं आपको धोखा नहीं दे रही। मैं कब कह रहा हूँ कि आप मुझे धोखा दे रही हैं? मैंने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा। और ये भी मैंने आपको बोला था कि मेरे हालात, हमारे जो घर के हालात थे वो बेहतर थे, इस तरह के तो बिल्कुल भी नहीं थे। कपड़े अच्छे थे या जो भी सामान था, वो तो जाहिर सी बात है दुनियादारी, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। मुझे ना प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है कि मैं आपको फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन काट देती हैं आप। मैं जब भी आपको फ़ोन करता हूँ आप मेरा फ़ोन काट देती हैं, बात नहीं करती, मैसेज करता हूँ रिप्लाई नहीं देती। जब मैं आपको कहता हूँ ना आएँ आप बैठते हैं, आपका जो भी मसला है आप मेरे पास आए बैठते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, तो आप फौरन आ जाती हैं, ऐसे आप आती नहीं। घर में आपको बताया था अम्मी बीमार है, कभी उनकी जो है उनकी हेल्प आउट कर रही होती हूँ, घर के काम होते हैं और फिर फोन। तो आप मुझे ना अपनी अपनी वालदा में वालदा से मिलाएं, फ़ोन तो चलो मैं नहीं करूँगा, वालदा से मिला दें, वालदा से मिलाएं आप मुझे। सही है, ठीक है। और आप बुलाते हैं, मैं आ भी इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं क्यों ना आऊँ मुझे बताएं। आपने मुझे एक होप दी है कि नहीं मैं आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा, तो मैं इसलिए आ भी जाती हूँ। घर में बहुत तरह के इश्यूज होते हैं, काम होते हैं, कभी मैं नहीं, और आप फ़ोन पर फ़ोन करते हैं बार बार, और आप फ़ोन पर फ़ोन करते हैं बार बार। चलिए, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, नहीं मैं किया करूँगा फ़ोन, कोई आइंदा से मैं इस चीज़ को देखूंगा। जी कपड़े आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि कपड़े क्यों, आप बेतबारी है तो वो बताएं। नहीं, बेतबारी नहीं है। क्या बात है, जो एक माशरे में हमारा एक सिस्टम ही बन गया है कि जो चेहरे पे आपने मायूसी से जाके बैठता है, ये कदमों में बैठता है, ये जो गंदे कपड़े, उनको क्या हंसने, उनको नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है उन लोगों को। अच्छा मेरी बात सुने, इन हालात में बैठेगा तो ही लगेगा कि इंसान परेशान है। चलो, वो दूसरों जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकता, साफ कपड़े पहनना या अच्छा मेरे लो तुसी जेड़े मर्जी ब्रांड दे कपड़े पाओ, मेनू ए चीजा नहीं। मेरे लो तुसी जेड़े मर्जी ब्रांड दे कपड़े पाओ, मेनू ए चीजा नहीं। चले, मैं इस चीज पे नहीं जाना चाह रहा, आप जो मर्जी करें। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मेरी आती है सैलरी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, सैलरी आती है मेरी, तो मेरी सैलरी आनी है 5 तारीख को, तो 5 तारीख से पहले मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं 5 तारीख से आपको बाद में दूंगा, या जैसे ही मेरे पास सैलरी आएगी मैं आपको दे दूंगा। मुझे तो आपने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो मैं आपको बाकी रेंट भी दे दूंगा, और अब मेरा बिल भी आ गया, मैं अब क्या करूं, मुझे बताएं। मैडम जी, मेरे पास ना, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरे पास अभी ना पैसे हैं ना मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने आपको कहा है मैंने देने हैं, मैं दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे हैं। मेरे पास 5 तारीख को आते हैं, आपका जो बिल है मैं बिल भी अदा कर दूंगा, उसके बाद आपका जो रेंट है वो भी अदा कर दूंगा। तो फिर आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? क्या मतलब? जब आपने मुझे, आपने बोला था मैं नेक्स्ट टाइम में आपको पेमेंट कर दूंगा, तो आपने मुझे बुलाया क्यों है यहाँ? ज़रूरी है कि पेमेंट दूंगा तो फिर आप आएंगी? तो मैंने और यहाँ क्या करने आ रहा है, मुझे बताएं। नहीं, हम बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, 100 बात हो सकती है, 100 बातें हम कर सकते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि पैसे दूंगा तो फिर आप आएंगी, वैसे नहीं आएंगी, ये तो गलत बात है ना, वैसे भी तो आप आ सकती हैं। मुझे ना ज़रूरत है आपकी दोस्ती की इस तरह से। अच्छा, अगर आप मेरी हेल्प कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ही मैं आपसे मिलने आऊँगी, और जवाब भी बनता है मिलने आने का, अदरवाइज मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलने नहीं आऊँगी। अच्छा, मैं आपकी हेल्प करता जाऊँगा तो फिर मिलेंगी, वैसे नहीं मिलेंगी? ऐसी बात है, उसके अलावा मैं आपसे नहीं मिलूँगी।
नहीं, ये क्या बात हुई है कि आप आ जाएं आज, नेक्स्ट टाइम मैं आपको दूंगा, और आज आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई भी आप तो मैं सैलरी, मेरी बात सुने, मैं जहाँ जॉब करता हूँ सैलरी मेरी आएगी तो मैं पैसे दूंगा ना, सैलरी है नहीं तो मैं फिर कहाँ से दूँ। तो मेरे पास सैलरी आएगी तो मैं दूंगा ना, वैसे ही हम मिले हैं, वैसे बुलाया कि चलो वैसे बैठते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है। बिल कहाँ है आपका, है मुझे दिखाएं बिल। मैं लेके आई हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो ये बिल आप मुझे दे दें। जी जी 16,000 ही है, तो मैं आपको ना ये पैसे ना पे कर दूंगा, ये जो है ना बिल मैं खुद ही पे कर लूंगा, ये बिल मेरे पास ही रहने दें आप। तो आप मुझे पेमेंट दे देना, कोई बात नहीं, मैं करवा लूंगी खुद ही। पेमेंट मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे आपको पेमेंट दे दूं, मुझे ये बताएं, जब मेरे पास एक चीज़ ही नहीं है तो मैं कैसे दूं आपको। मैं कह रहा हूं मैं खुद ही जो है ना ये बिल जो है मैं खुद ही जो है ना इसको मैं जो भी इनके जितने भी पैसे हैं 16,000 हैं 17,000 हैं मैं अदा करके मैं इंशाल्लाह रसीद आपको दे दूंगा। जो रेंट है वो 5 तारीख को मैं दे दूंगा आपको। पैसे मिलने के लिए देते, आप मुझे कह देते कि आज मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने आज आपको कोई पेमेंट नहीं देनी। देखिए मेरी बात सुने, बुलाने का मकसद यही था कि बैठते हैं यहाँ पे, बैठ के कहीं किसी जगह पे बैठ जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बुलाया था, क्योंकि पार्क में अच्छा नहीं लगता मुझे, रोज़ रोज़ कोई आपका रिश्तेदार देख ले, कोई अजीज़ देख ले तो फिर नो, 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 नो। आए जूस वगैरह तो पी लें। नो, 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 नो। जूस कह रहा हूँ आजें।